बच्चों, आज हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज़ को स्टडी करेंगे। तो एक हमने 3D फिगर लिया है एक्स वाई जेड। इस पर एक हमारा कोई पॉइंट है पी, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने आर मान लिया। ये एक्स एक्सिस से अगर माना अल्फ़ा, वाई से बीटा और जेड से अगर गामा एंगल बनाता है, तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा की कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर दैन इक्वल 0 और लेस दैन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इन तीन एंगल की कंडीशन होती है। तो ये जो एंगल बनाते हैं, उस एंगल के कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा उस वेक्टर या उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। इसको हम लोग सामान्यतः एल, इसको एम और इसको एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक। ये तो थे ओपी के। अगर आप पीओ की बात करेंगे, ये भी ध्यान रखना है कि किसकी बात हो रही है। ये पीओपी वेक्टर की बात हो रही है। तो पीओ वेक्टर के लिए जस्ट ये अपोजिट हो जाएंगे। जहाँ एंगल अभी तक अल्फ़ा था, वो पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा हो जाएगा। तो उसके डीसीज कॉस पाई माइनस अल्फ़ा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा हो जाएंगे। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसके आपको डीसीज निकालने हैं और वो ओरिजिन से नहीं जा रहा, तो आप क्या करेंगे? उसके पैरेलल एक वेक्टर लेंगे जिसको आप ओरिजिन से मिलाते हुए फिर उसके डीसीज को निकालेंगे, ठीक है ना। इसी डायरेक्शन में अलग अलग होता है। आप सपोज कीजिए कि अगर आपको एक्स एक्सिस के डीसीज निकालने हैं, तो एक्स एक्सिस के डीसीज क्या होंगे? एक्स का एंगल एक्स से 0, वाई से पाई बाई 2, जेड से भी पाई बाई 2। तो कॉस 0 1, कॉस पाई बाई 2 0 और फिर 0 हो गया। इसी तरह से वाई एक्सिस के निकालने हैं, ये तो एक्स एक्सिस की बात हुई। वाई एक्सिस के का एक्स से एंगल पाई बाई 2, वाई से 0, जेड से भी पाई बाई 2, तो ये 0 1 और 0। सिमिलरली जेड के 0 0 और 1। तो इस तरह से इनके डीसीज निकल जाते हैं। तो बच्चों, इसमें अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमारा बेसिक हमने क्लियर कर लिया। अगली चीज़ क्या बनेगी कि जो ये वेक्टर आर था, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड माने हैं, एक्स आई, वाई जे और जेड के, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे पहला टॉपिक बनेगा कि जैसे हमने क्या करा, इस ओपी वेक्टर का या सीधे सीधे कहें आर वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकाला। तो प्रोजेक्शन के लिए मैंने आपसे कई बार कहा एक फार्मूला जो हम बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ते हैं, उसको पढ़ना हमेशा ऐसा चाहिए कि ए डॉट बी इक्वल टू ए कॉस अल्फा इंटू बी। ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ध्यान रखना है ए कॉस अल्फा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये बना ए डॉट बी अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी भी लिख सकते हैं, सिंपल बी लिख सकते हैं। तो जब आपने आर वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है ना, यानी कि ध्यान रखना है आर का प्रोजेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस की ओर, क्या होता है? यूनिट वेक्टर आई कैप। तो आर का प्रोजेक्शन आई कैप पे निकालना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या बन जाएगा? इसी फॉर्मूले को देखो, आर का आई पर निकालना है, तो आर डॉट आई अपॉन मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप 1 हो गया। आर आपका आया एक्स आई, वाई जे, जेड के डॉट आई कैप और नीचे 1 हो गया। सीधे सीधे कहें तो क्या आ गया? एक्स आ गया, ठीक। और इसी तरह से जब हम आर का कहाँ निकालेंगे? ऑन वाई निकालेंगे, तो वो क्या आएगा? वो आ जाएगा वाई। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन जेड एक्सेस निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? वो जेड आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ज़रा और क्लियर करते हैं कि इससे और रिजल्ट क्या निकलेगा। वो रिजल्ट एक और क्या आएगा, अब हम इसको दूसरे ढंग से निकालते हैं। तो सेम यही कंसेप्ट को हम प्रोजेक्शन ऑफ जो हमने आर ऑन एक्स एक्सेस निकाला था, अब हम उसको दूसरे फॉर्मूला क्या निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, आर डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ आई कैप। तो ये बन जाएगा आर डॉट आई, आर और आई के बीच का एंगल हमने अल्फा लिया है, तो ये क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आई 1 हो गया, इंटू कॉस अल्फा और नीचे 1 आ गया, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया आपका आर कॉस अल्फा या एल मॉड आर, यानी कि ये प्रोजेक्शन जो अभी तक एक्स था, अब वो दूसरे फॉर्मूले से इतना बना। सिमिलरली ये वाला जो प्रोजेक्शन है वो क्या बन जाएगा? एल की जगह पर अब कौन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस अल्फा की जगह कॉस बीटा आ जाएगा, तो एम मॉड आर। सिमिलरली यहाँ पर क्या बन जाएगा? एन
मॉड आर, यानी कि एक ही प्रोजेक्शन के दो दो फॉर्मूले हैं, एक्स इज इक्वेलेंट टू एल आर, वाई इज इक्वेलेंट टू एम आर एंड जेड इज इक्वेलेंट टू एन आर। इसको हम नोट कर लेते हैं, तो एल मॉड आर, वाई इक्वल टू एम मॉड आर, जेड इज इक्वल टू एन मॉड आर। अब जो हमने पढ़ा था इससे हमारा देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना, इसके रिजल्ट पे डिस्कस करते हैं। जो हमारा आर था वो था एक्स आई वाई जे कैप और जेड के कैप, मॉड ऑफ आर की बात करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब और आगे चलते हैं, मॉड ऑफ आर को ऐसे छोड़ देते हैं या इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स की जगह पर आ जाएगा एल आर, तो एल स्क्वायर मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, एम स्क्वायर मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, एन स्क्वायर मॉड ऑफ आर का स्क्वायर। देखो मॉड ऑफ आर स्क्वायर तीनों से कैंसिल, यहाँ क्या बचा वन, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा आगे, जिसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू वन। तो ये हमारा डी सी के स्क्वायर का रेशियो, स्क्वायर का सम कितना होता है, वन होता है। इसी में अगर आप एक कन चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर गामा वन। देखो वन और वन कैंसिल, और अगर इसको पॉजिटिव में ले जाएँ तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, टू आ जाता है। तो बच्चों डीसी निकालने के बाद हम डीआर को देखते हैं, डीआर को ज़्यादा टीडियस नहीं, डीसी जब आपको दो फॉर्मूले समझ में आ गए तो डीआर का मैं आपको हिंट देता हूँ। डीआर कुछ नहीं, ए बी सी, सपोज कीजिए कि जैसे आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है किसी वेक्टर के एल एम और एन, ठीक है ना, उसकी इक्विवेलेंट ए बी सी तीन नंबर है किसी वेक्टर के, डी सी हैं आपके, कोई वेक्टर आर है उसके डी सी एल एम एन, और दे आर थ्री नंबर्स ए बी सी सच दैट कि अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तब उनको हम कह देते हैं उसके डी आर। तो डी आर को डी सी बनाना बहुत सिंपल है, आप इसको इक्वल मान लीजिए लेमडा के, तो एल इज इक्वल टू ए लेमडा, और अगला बन जाएगा एम इज इक्वल टू बी लेमडा एंड एन इज इक्वल टू सी लेमडा। बाकी आप एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू वन प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर वन, या लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये आ गया वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डी आर को डी सी बना सकते हैं, देखो यहीं बन जाएंगे। अब अगर हम इसी में वैल्यू पुट कर लें तो क्या रिजल्ट आता है, देखो एल इज इक्वल टू था ए लेमडा, तो प्लस माइनस ए ऐसे ही रहा, लेमडा की जगह पर वन, वन इंटू होके वन ही हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली एम के लिए प्लस माइनस बी अपॉन लेमडा की वैल्यू रख दी, और सिमिलरली यहाँ भी रख दी, तो प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से आप डी आर को डी सी बना सकते हैं। आपके पास कोई लाइन दी गई है उसके अगर दोनों कोऑर्डिनेट दिए गए आप उसको भी डी आर में डी आर को डी सी में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास आर इज इक्वल टू कोई वेक्टर है ए आई बी जे और सी के कैप, तो ये आपके डी आरस हो गए। इसको डी सी बनाना है तो समझ जाओ ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, अभी जो टेक्निक सिखाई है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी अपॉन, ये सब उसी फॉर्मूले से निकले जो प्रोजेक्शन वाला है, ठीक है नहीं। आप चाहें तो इसको लंबा करना चाहें तो फिर वही प्रोसेस कि इसका ए पर प्रोजेक्शन निकालेंगे आर डॉट आई कैप फिर आर डॉट जे कैप, तो वो टेक्निक जो मैंने सिखाई है उसी को अप्लाई करके आप इस फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने आपको ये पहले भी सारे डेरिवेशन में सिखा दिया है, तो यू कैन अप्लाई दैट प्रोसेस। तो ये तो हमारी पहली चीज़ होगी। अब अगर आपके पास माना दो लाइन्स हैं, एक लाइन है उसके दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, और यहाँ पर है एक्स टू वाई टू जेड टू। अब आपको इसके डी आर निकालने, तो कोई दिक्कत नहीं, डी आर एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, ये इसके डी आर आ गए। तो लेट एक्स टू माइनस एक्स वन को ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, फिर आप इस डी आर को डी सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस कौन सी रहेगी, प्रोसेस में सी आर जगह यही फार्मूला यूज होगा कि कॉस अल्फा, जो हमने शुरू में मैंने बताया था जब वो फार्मूला ड्राइव किया था, आर डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ आर
और इंटू आई कैप। इसी तरह से कॉस बीटा के लिए आर डॉट जे कैप मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ जे कैप, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकला है, सब यहीं से निकल जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला वीडियो था, इसके बाद हम अगले वीडियो में स्ट्रेट लाइन और उसके कुछ और टॉपिक देखें।